हे गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त नताशा और आज मैं फिर से हाजिर हूं नन्ना पौधा पर। सो इस बार मैं नर्सरी की वीडियो नहीं लेकर आई क्योंकि मैं बहुत से कमेंट्स को रिप्लाई करती हूं, तो मुझे बहुत सी कमेंट्स मिली थी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि प्लांट्स की जो इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं। मतलब हम नर्सरी पे नए नए आपको प्लांट्स दिखाते रहते हैं, हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। सो इस बार मैंने कुछ सोचा कि कुछ कमेंट्स में से उठाया कि मैं आपके लिए स्नेक प्लांट की डिटेल्स शेयर करूं, लाइक इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ में अगर ऐड हो जाए तो ये क्या आपके लिए मैजिकल बना सकता है, आपकी लाइफ को कैसे मैजिकल बना सकता है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीडियो के जो विनर्स थे मैं उन्हें अनाउंस करना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो लास्ट जो हमारी वीडियो का क्वेश्चन था कि लक्ष्मी कमल को किस प्लांट के साथ रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, तो लक्ष्मी कमल प्लांट को अपराजिता प्लांट के साथ रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो मैंने वीडियो में ही बोला था। सो विनर्स हैं ओम जी गुजरात से, जॉन विक्सन जी सीपी दिल्ली से, इशिता गोयल जी, अभय शर्मा जी, अजय कुमार फ्रॉम दिल्ली, नेहा रानी, प्रदीप कुकरेजा, सुरेंद्र मलिक, एम के शर्मा जी, आकाश सिंह, अमिता रावत, विशाखा गोयल एंड पूनम जहां, सूरज गौतम जी, हर्ष जी फ्रॉम गुजरात अगेन, अभिषेक यादव जी, टीना जी एंड सौरभ राय, संतोष कुमारी, आलोक गर्ग, अजीम भाई, शालिनी। सो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस को इतना देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे सजेशंस भी देते रहते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, स्नेक प्लांट से रिलेटेड मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लेकर आई हूँ। सो इस स्नेक प्लांट को हम सेंसेविरिया भी बोलते हैं, इसे मदर इन लॉ टंग प्लांट भी बोलते हैं, थोड़ा फनी नेम है, एंड थर्ड नेम इसका होता है हिंदी में नागफनी। सो स्नेक प्लांट को हम आर्टिफिशियल दिखने वाला प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये स्वार्ड की सेब की लीव्स होती हैं और ये थोड़ी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग लीव्स होती हैं। सो और ये प्लांट 3 से 4 फीट तक जाता है, ये एशिया और अफ्रीका का नेटिव प्लांट होता है। ये तीन तरह का हो सकता है, मतलब इसकी 3 वेराइटीज होती हैं। फर्स्ट है बर्ड्स नेस्ट, सेकेंड है सिलेंड्रिकल एंड थर्ड होती है लोरेंथी। सो लोरेंथी जो प्लांट होता है वो 90% इंडियन घरों में पाया जाता है, जो मेन प्लांट है वो लोरेंथी ही होता है। इसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इंडोर ही प्लांट ये सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, ये काइंड ऑफ सकुलेंट होता है, तो ये इंडोर ज़्यादा बेस्ट ग्रो कर पाता है, आउटडोर में तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सो मैं इसको आगे की इन्फॉर्मेशन में आपको बेनिफिट्स इसके शेयर करती हूँ। सो गाइज, स्नेक प्लांट एक हम लोगों के लिए वरदान वाला प्लांट है। मैं इसलिए कह रही हूँ वरदान के लिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये प्लांट बेस्ट टू बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में आता है, नासा ने भी इसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में रिकमेंड किया है लोगों को अपने घर में एज अ इंडोर यूज करने के लिए। सो जिस तरह से बाकी सारे प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्लांट भी उसी तरीके का ही है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन बाकी प्लांट्स में क्या होता है वो नाइट के टाइम पे ऑक्सीजन को रिलीज ना करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, लेकिन ये प्लांट 24 घंटे मतलब आपको दिन हो या रात हो ये आपको ऑक्सीजन ही देता है। ये प्लांट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में जैसे मैंने आपको बताया सबसे ऊपर आता है। ये एलर्जीज को रिमूव करता है, जिस किसी को स्किन एलर्जीज है, क्योंकि ये एयर पार्टिकल्स मतलब वेपर पार्टिकल्स होती है ना, वाटर वेपर पार्टिकल्स को उनको जड़ से ये लीफ तक लेके जाता है और एयर को मॉइस्चर रखता है, जिससे हमारे को ड्राइनेस की एलर्जी नहीं होती है, कोल्ड कफ की एलर्जी नहीं होती है, इवन ये जो कैंसर कोजिंग पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब करता है। ये एयर में प्रेजेंट फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जो भी टॉक्सिन्स हमारे घर में प्रेजेंट, सॉल्वेंट्स या पेंट, इनकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स अवेलेबल होते हैं हमारे घर में, सो ये उन सब को रिमूव करके आपके घर की एयर को प्योर करता है, अच्छा करता है। ये प्लांट बहुत अच्छा है अगर आपने जस्ट अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, सो आप सबसे पहले प्लांट जिसको ऐड करना चाहिए और जिसकी आपको केयर की टेंशन नहीं है वो यही प्लांट है। आपको इतने सारे बेनिफिट्स के साथ इस प्लांट को आराम से अपने घर में आप ऐड कर सकते हैं। ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, मतलब आपको अगर आपने इसे घर पर लेकर आ गए और आपने इसे लगा दिया एक बार तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नखरेलू प्लांट नहीं है। इसकी केयर के नाम पे आपको जस्ट इसको 20 दिन कम से कम 20 दिन में आपको पानी देना है, तो सोचिए आप अगर देकर भूल गए हो तो आपको 20 दिन में तो याद आ ही जाएगा कि आपने इसे पानी नहीं दिया। इस प्लांट को पॉटिंग मिक्सचर के साथ आप अपने घर में लगा सकते हैं और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट इंडोर प्लांट होता है, सो आपको इंडोर में इसे लगाना है। इसकी केयर में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मैं इसकी प्रोपोगेशन बताती हूँ। प्रोपोगेशन के लिए क्या है, आपको इसकी लीव्स आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस वाले प्लांट को देखिए, इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे पफ्स निकले हुए हैं, छोटे छोटे पफ्स निकले हुए हैं,
सो ये पफ्स को अगर मैं चाहूँ तो ये इस प्लांट को खोलकर इनके पफ्स को अगर मैं कहीं पर भी लगाऊंगी, अपने अलग अलग प्लांट्स में, अलग 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 पोर्ट्स में लगाऊंगी, तो मेरे पास बहुत सारे स्नेक प्लांट रेडी हो जाएंगे। ये पफ्स इजीली ग्रो हो जाते हैं। सो इसकी प्रोपगेशन के लिए भी टेंशन नहीं है। अगर आपको कभी मन करता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ नए प्लांट लगाने, सो आप अपने घर में स्नेक प्लांट ईजिली लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी टेंशन। एंड ये प्लांट जो होता है ये बच्चों से थोड़ा दूर रखना होता है, मतलब 1 से 2 साल के बच्चों से आपको इसे दूर रखना चाहिए। तो आप इसे स्टैंड पे रखें, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो क्रोनिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही हैं, 1-2 साल के बच्चे जो होते हैं उनसे थोड़ा दूर रखना होता है, ये उनके लिए बेस्ट नहीं होता है। सो ये प्लांट आई होप आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप इस प्लांट को अपने घर में ऐड कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने एक स्नेक प्लांट लगाया तो आप ये मत सोचिए कि केवल एक स्नेक प्लांट से आपके घर एयर प्यूरिफाई हो जाएगा पूरी तरह से। सो हर 10 फीट की दूरी पे आपको एक स्नेक प्लांट लगाना चाहिए। सो आप अगर एक प्लांट लेकर आए उसके पफ्स निकलने लगे तो आप नए नए पोर्ट्स में लगाते जाएं और हर 10 फीट की दूरी पे एक प्लांट को लगाते चले जाएंगे। सो आपका घर इतना प्यूरिफायर हो जाएगा कि आपको बाहर की एयर भी ना आपको डर्ट फुल लगने लग जाएगी। आप अपने घर को एयर प्यूरिफायर कीजिए, इस प्लांट को लगाइए। सो अब मेरे को आपसे कुछ सजेशन चाहिए कि मैं ये सोच रही थी कि मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ कि जिस घर में जैसे तुलसी है, हम सभी लगाते हैं अपने घर में, या आपके घर में अगर तुलसी है आपको ये टेंशन है कि सर्दियों में आपकी तुलसी सूख जाती है। ये मोस्ट ऑफ द घरों का इशू है कि हर सर्दियों में तुलसी सूख जाती है। अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि तुलसी को कैसे बचाया जाए, हर सर्दी मतलब हर साल से साल आपकी तुलसी अच्छी ग्रो करती जाए, सो आप मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, या आपका कोई और टॉपिक है, आप किसी और प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।